हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करेंगे हेयर मास्क के बारे में। अब हेयर मास्क होता क्या है? हेयर मास्क एक सेमी लिक्विड मिक्सचर होता है जिसे हम अपने बालों में लगाते हैं, जिससे हमारे बाल उसमें डले हुए न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकें। अब ये न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने के साथ साथ अगर आपके बालों में कोई हेयर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हेयर थिनिंग हो गई, जैसे कि हेयर फॉल हो गया, या आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, तो ये उन सब चीज़ों में भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। और आज जो मैं आपके साथ हेयर मास्क शेयर करने वाला हूँ, उसकी सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं और आपकी एवरीडे लाइफ का पार्ट होते हैं। तो चलो चलते हैं अपने आज के पहले हेयर मास्क पे, जो कि है बनाना प्लस एग्स। अब इस हेयर मास्क का प्राइमरी गोल है आपको आपके हेयर फॉल में हेल्प करना। अब केलों में होता है पोटेशियम और नेचुरल ऑयल्स, जो आपके बालों की इलास्टिसिटी बढ़ाते हैं और एक नेचुरल कंडीशनर जैसे काम करते हैं। एग में होता है प्रोटीन और आपके बाल भी बने होते हैं प्रोटीन से। तो अगर आपको बालों में ड्राइनेस हो रही है या आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो आपको उसको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। तो चलो हम बनाते हैं आज का पहला हेयर मास्क। तो अब हेयर मास्क बनाने से पहले मैं जो भी चीज़ें बताऊँगा उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स मैंने अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग डाले हैं, और अगर आपकी लेंथ इससे छोटी है या बड़ी है तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। 2 केले लो, उसे अच्छे से ब्लेंड कर लो। अगर उसमें लम्ब्स रह जाते हैं तो उसे और अच्छे से ब्लेंड कर लो, या फिर उसे छान लो, ताकि वो जो लम्ब्स हैं वो सेपरेट हो जाए और आपके पास एक सेमी लिक्विड मिक्सचर रह जाए। अब एक एग लो और उसे उस सेमी लिक्विड बनाना के मिक्सचर में ऐड कर दो। अब एग लेते हुए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये कि अगर आपके बाल थोड़े ऑयली कैटेगरी में आते हैं तो आपको सिर्फ एग का वाइट वाला हिस्सा यूज़ करना है। अगर आपके बाल थोड़े से ड्राई रहते हैं तो आप एग योग यूज़ करो, और अगर आपको लगता है कि आपके बाल एक नॉर्मल है, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो आप पूरा एग यूज़ करो। अब इस मास्क को आप इक्वली अपनी हेयर स्कैल्प पे, शाफ्ट पे और एंड्स पे लगाओ, और इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ दो। जितने ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ोगे, उतने अच्छे से आपके बाल इन हेयर मास्क से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। अब इस ड्यूरेशन के लिए आपके बाल आपको परेशान ना करें, आपका हेयर मास्क का मिक्सचर आपकी गर्दन पे टच हो के आपको इरिटेट ना करे, इन सबसे बचने के लिए आपको एक शॉवर कैप या टॉवल से अपने बालों को ढक लेना है। तो चलो हम चलते हैं अपने अगले हेयर मास्क पे। अब इस हेयर मास्क में हम लेंगे बनाना, कर्ड और हनी। अब ये वाला हेयर मास्क पर्टिकुलरली आपकी हेयर की ड्राइनेस को टारगेट करने के लिए है, कि आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील हो रही है, बार बार सर को खुजा रहे हो, जैसे कि इन गर्मियों के दिनों में हो रहा होगा आपके साथ, तो आपको डेफिनेटली ये वाला हेयर मास्क ट्राई करना चाहिए। शहद जो है वो आपके बालों की मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा, और आपके बालों में जितना ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा आपके बाल उतने ज़्यादा स्मूथ दिखेंगे। दही जो है वो आपके बालों के लिए कूलिंग जैसे काम करती है, तो अगर आपको थोड़ी ड्राइनेस, थोड़ी इचनेस फील हो रही है, तो दही उस चीज़ को टारगेट करेगी। तो चलो हम इस हेयर मास्क को बनाते हैं। अब इसे बनाने के लिए हमें वापस से 2 केले लेने होंगे, उसे अच्छे से ब्लेंड करना होगा और उसे सेमी लिक्विड मिक्सचर बनाना होगा। इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 स्पून दही। अब जो हमारी नेचुरल दही होती है उसके अंदर थोड़ा बहुत पानी होता है, तो मेक श्योर जब आप दही को यूज़ कर रहे हो तो उसे आप 10 मिनट के लिए छलनी में रख दो, जिससे उसमें जितना भी एक्सेस वाटर है वो उससे निकल जाएगा और आपके पास बिल्कुल सॉलिड दही रहेगी, जिससे आप उसे बालों में जब लगाओगे तब आपके बालों में से वो पानी टप टप करके आपको नेक पे इरिटेट नहीं करेगा। और इसमें 1 स्पून शहद को ऐड कर लो, इस पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लो और फिर इसे अपने हेयर के ऊपर लगा के छोड़ दो। तो चलो हम चलते हैं अपने अगले हेयर मास्क पे। अब जो हमारे पहले के 2 हेयर मास्क थे वो आपको एक पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट कर रहे थे, हेयर फॉल और हेयर ड्राइनेस को, पर हमारे बाकी के जो हेयर मास्क हैं वो आपकी ओवरऑल हेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हैं। तो चलो हम चलते हैं अपने अगले हेयर मास्क पे। इसमें हम यूज़ करेंगे एलोवेरा जेल, कोकोनट ऑयल और लेमन को। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एलोवेरा जेल एक नेचुरल एलोवेरा के प्लांट से लें, और प्लांट आपको आपके घर के किसी भी आसपास नर्सरी पे मिल जाएगा, बजाय उसके कि आप कोई एलोवेरा का प्रोसेस जेल यूज़ करें, क्योंकि ऑनेस्टली नेचुरल इज मच बेटर देन प्रोसेस। एलोवेरा जेल विटामिन रिच होता है और इसमें एंजाइम्स होते हैं जो आपके डेड स्किन सेल्स को रिपेयर करते हैं। तो अगर आपकी स्कैल्प पे कोई भी डेड स्किन सेल्स हैं तो एलोवेरा जेल उसे रिपेयर करने में आपकी हेल्प करेगा। लेमन एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो अगर आपके बालों में इरिटेशन हो रही है, खुजली हो रही है, तो ये आपको उससे छुटकारा पाने में हेल्प करेगा। उसी के साथ साथ ये आपको डैंड्रफ से लड़ने में भी हेल्प करेगा। तो चलो हम चलते हैं अपने अगले हेयर मास्क पे। अब इस हेयर मास्क में हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को सेम रखेंगे अपने पिछले वाले हेयर मास्क की तरह, बस कोकोनट ऑयल की जगह हम ऑलिव ऑयल को यूज़ करेंगे, क्योंकि पर्सनली मुझे ऑलिव ऑयल्स के साथ ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स आए हैं। तो आप दोनों को ट्राई करो, देखो आपके लिए कौन सा सूट करेगा, एंड देन उस हेयर मास्क के साथ आप कंसिस्टेंट हो जाओ। तो ये थे आज के हेयर मास्क, जो आपकी डिफरेंट हेयर प्रॉब्लम्स को टारगेट करने के लिए स्पेसिफिकली बने थे। आप इन हेयर मास्क को ट्राई करो और मुझे बताओ कमेंट्स में कि आपको ये कितने हेल्पफुल रहे। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो से कुछ भी यूजफुल लगा हो तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो।